हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी शाइनी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ माय ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो फॉर माय हनीमून। मैं कुछ ही दिनों में हनीमून में जा रही हूँ एंड उससे पहले मैं खुद को किस तरह से प्रिपेयर कर रही हूँ, यू नो, काइंड ऑफ एक ग्लो अप सेशन। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पसंद आए देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने एक लिस्ट बनाया है कि मुझे क्या क्या करना है, टू डू लिस्ट काइंड ऑफ, जिसमें है हेयर स्पा, फिर नेल्स मुझे कट करने है क्योंकि मुझे लॉन्ग नेल्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। आई हैव टू डू वैक्सिंग, मुझे थ्रेडिंग करना था जो मैंने ऑलरेडी कर लिया है। मैं सैलून जाकर मैं थ्रेडिंग कर आई। सो ये जो पूरा लिस्ट है ना, ये मुझे एकदम कवर अप करना है बिफोर गोइंग टू हनीमून। लेकिन ये लास्ट मिनट प्रिपरेशन है। मैंने जो अपने स्किन के लिए प्रिपरेशन है वो ऑलरेडी लगभग 45 डेज से मैंने स्टार्ट कर दिया था। मेरी जब शादी हुई थी ना, उस टाइम से ही मैंने एक सप्लीमेंट लेना स्टार्ट किया था, क्योंकि मेकअप हो, स्किन केयर हो, आप अपने स्किन को अगर अंदर से हेल्दी बनाना चाहते हैं, वो जो अंदर से एक ग्लो आता है ना, वो आपके न्यूट्रिशन के थ्रू ही आपको मिलेगा। मेरी जो डाइट है उसमें मैं काफी कुछ नहीं ले पाती हूँ, तो इसीलिए मुझे सप्लीमेंट्स की जरूरत थी एंड मैंने कोलाजन सप्लीमेंट लेना स्टार्ट किया, जो कि स्किन के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। सो फॉर कोलाजन सप्लीमेंट इस बार मैंने ट्राई किया है न्यू हर्ब्स का स्किन कोलाजन बूस्टर, क्योंकि इसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड भी है, विच इज अगेन वेरी गुड फॉर आवर स्किन हेल्थ। ये ना नेचुरली ग्लूटेन फ्री है, इसमें कोई एडेड शुगर या प्रिजर्वेटिव्स नहीं है। ये वाला मेरे पास है मिक्स्ड फ्रूट फ्लेवर वाला, जो कि मुझे तो खाने में काफी अच्छा लगता है एंड प्राली है। ये कोलाजन बूस्टर डेवलप किया गया है फ्रॉम नेचुरल कोलाजन बूस्टिंग न्यूट्रिएंट्स, एंटीऑक्सीडेंट केयर ऑफ फ्रूट्स एंड हर्ब एक्सट्रैक्ट्स। इसके अंदर कुछ न्यूट्रिशनल सपोर्ट है सुपर सीड्स के, हाइलुरोनिक एसिड के। ये सारे इंग्रेडिएंट्स ना बूस्ट करता है कोलाजन प्रोडक्शन को फॉर मेंटेनिंग द सप्पलनेस इलास्टिसिटी ऑफ द स्किन एंड मे आल्सो हेल्प इन डीलिंग नेचुरल एजिंग। कोलाजन एक्चुअली हमारे स्किन को टाइटन करने में मदद करता है, स्किन टेक्सचर को काफी इंप्रूव करता है एंड स्किन इलास्टिसिटी को भी मेंटेन करता है। इनफैक्ट ये ना आपके एजिंग प्रोसेस को काफी डीले करता है, तो आप अपने 20s से इसे लेना स्टार्ट कर सकते हैं। आइडियली उसमें कोई हार्म नहीं है। सो अगर आप चाहते हैं तो इस कोलाजन सप्लीमेंट को डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर इसके लिंक्स प्रोवाइड किया है। अब आपको इसे किस तरह से कंज्यूम करना है, आपको लेना है ल्यूकवॉर्म वाटर लगभग 200 ml, मतलब एक ग्लास का मैं ल्यूकवॉर्म वाटर लेती हूँ। अगर आप चाहते हैं तो नॉर्मल पानी में भी इसे पी सकते हैं। मैं कभी कभार नॉर्मल पानी भी ले लेती हूँ, अपने मील के आधा घंटा बाद मैं इसे कंज्यूम कर लेती हूँ। कभी कभार मैं ब्रेकफास्ट के आधा घंटा बाद लेती हूँ, कभी कभार मैं लंच के आधा घंटा बाद, लेकिन मैं इसे ना डिनर के बाद नहीं लेती। मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि इसे मैं ब्रेकफास्ट में ही कंज्यूम कर लूँ। अगर कभी कभार नहीं हो पाता है तो मैं लंच के आधा घंटा बाद इसे पानी में, एक स्कूप आपको डालना है पानी में और उसे अच्छे से मिक्स करना है एंड देन जस्ट कंज्यूम। डेली आपको इसे कंज्यूम करना है फॉर विजिबल रिजल्ट। इसके परचेजिंग लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड किया है। सो चलिए अभी जल्दी से मेरा ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने अपने हेयर पर एक हेयर मास्क अप्लाई किया है और इसी से मैं घर से हेयर स्पा भी करती हूँ। मैंने अपने हेयर को पहले ही वॉश कर लिया था शैम्पू से, उसके बाद मैंने उसे थोड़ा सा वेट किया एंड मैं इस तरह से हेयर स्पा को अप्लाई कर रही हूँ। हेयर स्पा जो क्रीम है उसे अपने हेयर को दोनों सेक्शंस में मैंने डिवाइड कर लिया है और इस तरह से थोड़ा थोड़ा स्ट्रैंड्स लेकर मैं अच्छे से क्रीम को मसाज कर रही हूँ अपने हेयर पर, और उसके बाद मैं नॉर्मल पानी से वॉश कर दूँगी। एंड ये हेयर स्पा रूटीन मैं कभी कभार करती हूँ एंड इससे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। उसके बाद बारी है मेरे नेल्स की, मुझे अपने नेल्स कट करने थे तो मैंने अपने नेल्स कट कर लिए और उसे इस तरह से मैंने शेप भी कर लिया, इसकी मदद से अच्छे से शेप कर लिया ताकि कोई हार्श एजेस ना रहे, और सारे नेल्स मैंने कट कर लिए। उसके बाद बारी थी वैक्सिंग की, जो कि मेरे हाथों की वैक्सिंग मुझे करनी थी और मैंने जो वैक्स क्रीम है उसे अप्लाई किया, हेयर रिमूवल क्रीम, और फिर उससे मैंने अपने हाथों की जो हेयर है उसको अच्छे से रिमूव कर दिया। ये काफ़ी पेनलेस प्रोसेस है और मेरा हेयर ग्रोथ ज़्यादा नहीं है इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता। पेडिक्योर के लिए मैंने गर्म पानी में अपने पैर को डुबो कर रखा और उसे अच्छे से क्लीन कर लिया एंड देन मैंने ये मास्क अप्लाई किया जो कि मैंने खुद से घर पर बनाया है दही के साथ मिक्स करके, एंड देन मैं लिप स्क्रब करूँगी। ये एक बीट रूट लिप स्क्रब है, इसे मैं इस्तेमाल करती हूँ। इससे ना लिप्स काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं और मैंने मेकअप किया था, मुझे कुछ शूट करना था तो इसीलिए मैंने उसके ऊपर ही इस लिप स्क्रब को अप्लाई किया। इससे ना लिपस्टिक भी रिमूव हो जाती है और लिप्स काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट एंड सप
पिंपल हो जाते हैं। फिर मैं अपने मेकअप को सबसे पहले रिमूव करने के लिए ये कोकोनट ऑयल मसाज किया अपनी फेस पर। इससे मेकअप मेल्ट हो जाता है काफ़ी ईजिली और बिल्कुल भी ये आपकी स्किन के लिए हार्मफुल नहीं है, इसलिए मैं हमेशा कोकोनट ऑयल ही इस्तेमाल करती हूँ। फेस को वॉश करने के बाद मैंने एक स्क्रब अप्लाई किया और जेंटली अपने फेस को स्क्रब किया। जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत है जैसे नोज़ के चारों और चिन एरिया पर अच्छे से स्क्रब करने के बाद मैंने अपने फेस को फिर से वॉश कर लिया। एंड अभी बारी थी फेस मसाज की, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। मैंने एलोवेरा जेल से फिंगर टिप्स से हल्के हाथों से अपने फेस को मसाज किया। इससे ना ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है और फेस काफ़ी ज़्यादा ग्लोइंग बनता है। ये स्टेप बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको एक रिलैक्सिंग मसाज करना ज़रूरी है। एंड देन मसाजिंग टेक्निक जो है ना, इसके ऊपर अगर आपको एक अलग से वीडियो चाहिए तो आई विल शेयर, लेकिन मुझे ज़्यादा तो नॉलेज नहीं है, लेकिन जितना है उतना मैं करती हूँ। उसके बाद मैंने ये DIY फेस पैक अप्लाई किया अपने फेस पर। इसका जो रेसिपी है उसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो बनाया है, आप चाहते हैं तो उस शॉर्ट्स को चेक कर सकते हैं। एंड दैट्स इट, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा। वीडियो पसंद आए देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। परचेजिंग लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है, मेक श्योर यू चेक माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।